चाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं, व्लॉग नंबर 7। क्या मेरी टी शर्ट मैली लग रही है? लग क्या रही है, मैली है ही मैली, 4 दिन से पहनी हुई है, चाय के धब्बे लगे हुए हैं टिका के। कोई बात नहीं, घर में चलता है यार। सात व्लॉग हो चुके हैं और 236 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एज यूजुअल रोते धोते सुबह सुबह उठा था क्या। सो व्हाट्सअप यार, सुबह सुबह मेरा मुंह ऐसे होता है जैसे बहुत गुस्से में। और ये मैंने आज से वेस्ट ट्रिमर स्टार्ट किया है और इसको चेक करना है 1 महीने तक, और 1 महीने बाद देखना है कि इस पर कितना फ़र्क पड़ता है, क्या ये वाकई काम करता है या ये ऐसी ही बातें बनी हैं। उसके बाद मैं एक रिव्यू की वीडियो बनाऊँगा ज़बरदस्त। अब चलते हैं ऑफिस। काम शाम करके जब मैं बाहर निकलने लगा तो बाहर हो रही थी बारिश और मेरे पास छतरी नहीं है। अब मैं देखूंगा ऑफिस में शायद किसी की छतरी हो। छतरी तो मुझे नहीं मिली, अब हम करेंगे देसी तरीका। बस मुझे ये टेंशन है कि मेरा कैमरा ना हराम हो जाए। पहले रमज़ान पे एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मैंने लेक्चर दिया था, झाड़ा था बल्कि लेक्चर, कि ऐसे फैट लॉस करें वैसे फैट लॉस करें। और जैसे ही वो अपलोड हुआ उसके बाद से मैंने जो पराठे खाना शुरू किए हैं। आधा रमज़ान गुजर गया है, आज हम दोबारा से जिम शुरू करेंगे और ज़रूर जिम जाएँगे। मैं कैमरा अंदर रख रहा हूँ इससे पहले कि मेरा कैमरा ख़राब हो जाए बारिश में। काफ़ी पानी आ चुका है इस पर, आई होप ये ठीक रहे। और यहाँ पे हम अच्छे बच्चों की तरह सिग्नल पे वेट करते हैं। सिग्नल खुला है तो हम चलेंगे। और इधर से अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो मेरे लिए रुकेगी बिकॉज सिग्नल अपन का है। खैर, भीगता हुआ पहुंचा, ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने से पहले एक मजे की चीज जो मैंने देखी वो कबूतरों की फायरिंग से बचने के लिए लोग क्या करते। कबूतरों की फायरिंग से बचने के लिए इस तरह की ग्रिल लगाई होती है यहाँ भी, बट यहाँ पे कबूतरों को खाली जगह मिल गई है और उन्होंने नीचे जो है ये काम किया हुआ है। गाइस, मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था ऑनलाइन, HP गेमिंग लैपटॉप था। तो मेरा पुराना लैपटॉप जो था वो बहुत स्लो था तो मुझे वीडियो एडिटिंग में काफ़ी मसला हो रहा था। अब ये कि मुझे पसंद नहीं आया, गेमिंग लैपटॉप की वजह से काफ़ी इसका प्रोसेसर जो है वो शोर कर रहा है, इसके फैन शोर कर रहे हैं, तो मैं वापस कर रहा हूँ 1-2 दिन यूज़ करने के बाद। यस, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ 14 डेज में बगैर रीज़न बताए आप वापस कर सकते हैं। मैं चलाया है, 2 दिन यूज़ किया, मुझे मज़ा नहीं आया। इतनी अच्छी चीज़ है ये, चीज़ लेके भी वापस कर सकते हैं और एक अच्छी सहूलत है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। इस पे नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं है, और भी चीज़ों पे। आपने कपड़े लिए हैं, आप कपड़े भी 15-20 दिन में वापस कर सकते हैं। और ये लैपटॉप आया कैसा था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। फनी स्टोरी है जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लैपटॉप आना था, पेपर तो आ गया है लेकिन अब मुझे समझ नहीं है कि कहाँ पे है। काफ़ी मुझे ढूंढने के बाद घर में इधर उधर ये ब्लू कलर का नज़र आया कि ब्लू लिखा हुआ था इस पर, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस ब्लू डस्टबिन में, क्योंकि ये पेपर का डस्टबिन है, इसमें मुझे 1.5 दिन के बाद ये लैपटॉप मिला मुझे। मेरा बेचारा यहाँ पड़ा रहा। ऐसा भी होता है यहाँ पे, या तो ये है कि ये पेपर डाल जाते हैं, पर में होता है कि हमने हमसाए को दे दिया, आपके नेबर को दे दिया, या उस पर एड्रेस लिखा होता है कि आप हमारे कलेक्शन सेंटर से आके कलेक्ट कर जाएं। और थर्डली ये होता है कि वो आपके घर में इधर उधर रख जाते हैं, जैसे कि ये डस्टबिन में रख के चले गए थे। मुझे आइडिया नहीं था इस तरह का, ऐसा भी होता है। ये बॉक्स तैयार है, लेके जाऊँगा इसको वापस कराने। वो दूर आपको एक येलो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो है खोखा। खोखे पे जाके हमने लैपटॉप वापस कर देना है। हेलो, ओके, फीलिंग डन। उसके बाद मैं गया विंडो शॉपिंग पे, आप भी देख लें, विंडो शॉपिंग ही थी। आई नीड टू नो इफ यू गिव मी अ सेकंड चांस, दे डोंट कम ऑन ऑफन, बट प्लीज यू नो आई कांट स्टैंड इट व्हेन यू डोंट टॉक टू मी। When you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside. मैं आया हूँ शॉपिंग करने, ये मेरी अपनी कैसा ट्राई करेंगे कैसी लग रही है।
सबसे ज़्यादा मैच कर रही है क्योंकि मेरी शर्ट का कलर अच्छा कलर मैच करता है। बेहतरीन किस्म की विंडो शॉपिंग की उसके बाद मैंने की कुछ ग्रॉसरी, ये सही है। ग्रॉसरी करने के बाद घर की तरफ रवाना, सामान हमने ले लिया और हम जाएंगे वहाँ से हम पकड़ेंगे ट्रेन और घर। दरअसल तो पेट्रोल की कीमतें नजर ही पाकिस्तान में बहुत शोर हुआ है, बहुत महंगा है। यहाँ पे देखो भाई इस महंगाई में रेसिंग कौन। तो गाइस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा व्लॉग नंबर 8, जरूर देखें, दोस्तों में शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो भी लाइक करें। यू फिनिश।